तो हे गाइस माय नेम इज नमन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो रिसेंटली हमने रिव्यू किया था सैमसंग A34 5G का, और उसके साथ साथ में एक और फोन सैमसंग ने लॉन्च किया है जो कि है सैमसंग A54 5G। अब ये वाला जो फोन है ये थोड़ा सा महंगा फोन है, यानी कि 10,000 का आपको अंतर मिल जाता है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 40,000 के करीब है। लेकिन नेट प्राइस अगर मैं बात करूं ऑफर्स वगैरह के साथ में तो 35,000-36,000 रुपीज तक में जो आपको पड़ जाता है। तो इसका जो एक तरीके से लिंक वगैरह आपको व्यू ऑल प्रोडक्ट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं, क्योंकि मैं इन दोनों ही फोन को यानी कि A54 को और A34 को दोनों को एक साथ जो है टेस्ट कर रहा था। मुझे जो है काफी सारे चेंजेस देखने को मिले, तो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको इन दोनों में से कौन सा परचेस करना चाहिए। वैसे फुल रिव्यू जो है A54 का है, लेकिन साइड बाय साइड थोड़े कंपैरिजन जो है आपको A34 के बीच में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो को पूरा आपको देखना है अगर आप ये फोन लेने का सोच रहे हो तो। तो बॉक्स की बात करें तो इसका भी बॉक्स A34 की तरह काफी पतला है, चार्जर हटा दिया है, और ये सैमसंग जो है नया ट्रेंड जो है स्टार्ट करते जा रहा है। इवन 15,000 के स्मार्टफोन से भी सैमसंग ने चार्जर हटा दिया है, तो मेरे हिसाब से एक जो है थोड़ा से डिसएडवांटेज बनाता जा रहा है ब्रांड, क्योंकि चार्जर देना बहुत जरूरी है। बाकी ब्रांड्स जो है अभी तक चार्जर दे रहा है, लेकिन सैमसंग कुछ ज्यादा ही एप्पल को फॉलो करता है। तो भाई ऐसा कुछ बॉक्स आपको मिलता है पतला सा, बैक साइड में कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। बॉक्स को ओपन करते ही आपको इतना कोई खास चीजें तो नहीं मिलेंगी ऑब्वियसली, क्योंकि बस एक फोन है। टाइप सी टू टाइप सी वाला केबल आपको मिल जाता है, कुछ मैनुअल कार्ड वगैरह मिल जाते हैं, और एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है। अब भाई सीधे बढ़ते हैं फोन पे, क्योंकि फोन जो है ना, जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा तो भाई सेम मुझे जो है फ्लैगशिप वाली फीलिंग आ गई, यानी कि जो S सीरीज है S23 जो बेसिक वाला है उसकी तरह जो इसका आपका डिजाइन पैटर्न वगैरह देखने को मिलता है। ये ग्रीन कलर जो है मुझे काफी ज्यादा मस्त लग रहा है, यानी कि इसका जो कैमरा वगैरह है वो S23 की तरह ही जो है मिल रहा है। बैक साइड में आपको जो है ग्लास मिल जाता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है फ्रंट और बैक में, लेकिन इसकी जो फ्रेम वगैरह है वो आपको प्लास्टिक की मिलती है। फोन बोलूंगा कि पकड़ने में काफी प्रीमियम है, इसका जो साइज वो काफी अच्छा है, लेकिन वही है कि यार इसका भी जो एक तरीके से ओवरऑल जो है ना थिकनेस है वो काफी ज्यादा है। थोड़ा सा अगर इसका थिकनेस कम हो जाती तो ये और भी ज्यादा प्रीमियम फील दे देता। अगर मैं वॉल्यूम और वॉल्यूम डाउन की बात करूं तो भाई राइट साइड में आपको मिल जाते हैं बटन प्लेसमेंट वगैरह काफी बढ़िया है, स्टूडियो स्पीकर आपको मिलता है, टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, ऊपर के साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाती है जो कि डुअल सिम है, और स्टूडियो स्पीकर है। अच्छा हुआ इसमें स्टूडियो स्पीकर दे दिया है, तो आपको जो 360 का जो है आपको साउंड सिस्टम मिल जाता है। और सामने की तरफ एक चीज अच्छी लग रही है कि भाई यहां पे आपको जो है ड्रॉप नॉच नहीं मिलता है A34 की तरह, यहां पे आपको डॉट नॉच मिलता है, थोड़ा सा जो है मॉडर्न लुकिंग होता है, और कंटेंट देखते के टाइम भी आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक और चीज जो मैंने नोटिस करी है वो ये कि इसके जो बेजल्स हैं वो काफी ज्यादा जो है इसमें भी कर दिए गए हैं, थोड़े से और जो है पतले हो सकते थे, क्योंकि बाकी इस प्राइस में जो स्मार्टफोन्स है उसमें काफी कम बेजल्स जो है आपको मिलते हैं, लेकिन इसमें थोड़े ज्यादा बेजल्स जो है मुझे दिख रहे हैं। वैसे एक बॉक्सी डिजाइन टाइप का जो है लुक देने की इसमें कोशिश करी है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी वाइज तो मुझे ये अच्छा स्ट्रांग लगा है, लेकिन वही है थोड़ा सा अगर इसको पतला कर देते तो और भी प्रीमियम ये हो जाता। हां एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता है A34 की तरह। अब बढ़ते डिस्प्ले पे, तो भाई इसमें आपको 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। अगर मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूं तो 1000 निट्स तक की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो अगर आप इसको धूप में भी यूज कर रहे हो तो आपको अच्छी खासी ब्राइटनेस मिल जाएगी, ऐसा डल सा डिस्प्ले नहीं लगेगा, आपको ऐसे हाथ लगा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस फोन को जितना भी मैंने अभी तक यूज किया है तो भाई डिस्प्ले क्वालिटी में मानता हूं कि भाई सैमसंग का बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे होता है, बहुत ज्यादा स्मूथ चल रहा है फोन, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। काफी कॉन्टेंट देखा है मैंने, काफी सोशल मीडिया इस फोन में यूज कर रखा है, तो यहाँ पे जितना भी चीजें आपको देखने को मिल रही है चाहे कलर्स हो, सैचुरेशन लेवल हो, या फिर डार्क पिच ब्लैक जो हो वो एमोलेड के कारण आपको काफी अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ पे डिस्प्ले को लेके आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जो है अलग ही एक्सपीरियंस जो है फील होने वाला है। अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्टेंट देखते हैं, नेटफ्लिक्स यूट्यूब वगैरह काफी देखते हैं, तब भी आपको काफी मजा आ जाएगा। अगर मैं फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूं तो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, लेकिन वही है कि इसका भी जो प्लेसमेंट है काफी नीचे जो है कर दिया गया है, थोड़ा सा ऊपर होता तो बहुत अच्छी बात होती, यहाँ पे कहीं होता तो मजा आता, तो आपको थंब जो है थोड़ा नीचे ले जाना पड़ेगा। स्पीड की बात करूंगा तो अच्छी खासी स्पीड आपको मिल जाती है, काफी एक्यूरेट है, लेकिन आपको जो है एक सेकंड फिर भी जो है देना पड़ेगा। वन प्लस और बाकी फोन की तरह नहीं है कि टैप करो खुल जाएगा, अभी इतना फास्ट जो है मुझे लगता है कि सैमसंग नहीं हुआ है। लेकिन हाँ ऑप्टिकल सेंसर के साथ में आता है, स्क्रीन अगर बंद भी है और अगर मैं इसको जो है कुछ इस तरीके से करूंगा तो फोन जो है ऑन हो जाता है, आपको डिस्प्ले ऑन करने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते भाई परफॉर्मेंस में, तो इसमें आपको सैमसंग का वही ओल्ड स्कूल एक्सिनोस का जो है प्रोसेसर मिलता है जो कि 1385 नैनोमीटर चिपसेट पे बेस्ड है, और एक्सिनोस से लोग जो है आज के टाइम पे काफी ज्यादा चिढ़ते हैं क्योंकि
फोन हीट ज्यादा होता है, परफॉर्मेंस इतनी नहीं देता है और कुछ टाइम बाद लैग करने लगता है। A34 में आपको मीडियाटेक का 1080 मिलता है जो मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें एक्सिनोस डाल दिया। इसमें भी अगर वही प्रोसेसर डालते या फिर स्नैपड्रैगन अगर डाल देते तो बहुत ही कमाल की चीज हो जाती है। अगर जी सीरीज का कोई स्नैपड्रैगन डाल देते तो मजा आ जाता। तो एक्सिनोस की अगर मैं बात करता हूं तो अभी तक जितना इस फोन को यूज किया है डे टू डे लाइफ में तो मुझे एज सच अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 1.5 हफ्ता ही हुआ है इस फोन को यूज करते हुए, तो सोशल मीडिया, नेट ब्राउजिंग और उसके अलावा वीडियोस वगैरह देखी है मैंने, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई है। और मैंने जो है व्हाट्सएप वगैरह भी इसमें भी यूज किया है तो लैग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं हुई है। रैम ऑप्टिमाइजेशन भी अभी तक मुझे ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन जब मैंने जो है गेमिंग वगैरह करी है तो वो जो है असर मुझे देखने को मिला है। लैग थोड़ा सा मुझे फील हुआ था, बट ऐसा है कि भाई अभी तक जो है हीट कंट्रोल वगैरह जो इसमें जो है अच्छा खासा हो रखा है, यानी कि इतनी ज्यादा हीटिंग वाली प्रॉब्लम जो है या फिर इशू जो है फील नहीं हुआ है मुझे। ज्यादातर मैंने एसफॉल्ट इसमें खेला हुआ है तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाती है। इसके जो ग्राफिक्स है वो आपको हायर साइड में मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक चीज है कि डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया है, 120Hz रिफ्रेशर को सपोर्ट कर रहा है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आप हार्ड कोर गेमर हो, 2-3 घंटे जो है दिन में बिताते हो गेमिंग में, तो आपको थोड़ी बहुत जो है इशू फील हो जाएगा हीटिंग वगैरह से लेकर। लेकिन आप कैजुअली फोन को यूज कर रहे हो तब तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि इस फोन को मैं 1.5 महीने अच्छे से यूज करूंगा, उसके बाद एक और आप लोगों के लिए फुल डिटेल रिव्यू लेकर आऊंगा, क्योंकि काफी सारे लोगों को डाउट होता है कि एक्सिनोस थोड़े टाइम बाद हैंग करने लगता है, लैग करने लगता है, तो ऐसी कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको जो है 1 महीने बाद जरूर बताऊंगा। रैम की बात करें तो भाई LPDDR4X रैम के साथ में आता है, और वहीं पे इसके Antutu बेंचमार्क की बात करें तो करीब करीब 50 लाख के करीब जो है इसका जो Antutu बेंचमार्क निकल के बाहर आया है, जो कि A34 के कंपैरिजन में काफी हायर साइड में है। तो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो ऑब्वियसली A54 जो है आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। वेरिएंट की बात करें तो 128GB के साथ में आता है और 6GB की रैम है। वैसे इसमें आपको 8GB वाला रैम ऑप्शन मिलता है और एक 256GB वाला जो है ऑप्शन मिलता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाई कैमरा। तो भाई इसका कैमरे का अगर बैक साइड से अगर कोई फोन देख रहा है तो उनको लगेगा कि भाई S23 है, मैं कई बार बोल चुका हूं, क्योंकि लगता उसी तरीके से है। इसका जो मेन सेंसर है वो 50MP का है, जो OIS सपोर्ट करता है, F1.2 के साथ में आता है। अल्ट्रावाइड सेंसर आपको 12MP का मिल जाता है और 5MP का आपको इसमें जो है मैक्रो सेंसर मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं फ्रंट की बात करूं, 32MP का आपको जो है फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है F2.2 के साथ में। वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी की बात करूं तो 4K 30fps में जो है आप वीडियो शूट कर सकते हो। यहाँ पे कैमरा सैंपल्स की बात करें तो जितने भी फोटोज वगैरह आप देख रहे हो यहाँ पे, क्वालिटी वाइज मैं बोलूंगा कि इंप्रूवमेंट जो है इसमें पहले के फोन के कंपैरिजन में तो डेफिनेटली किए गए हैं। यहाँ पे जितने भी फोटोज वगैरह आप देख रहे हो, चाहे नाइट के हो या फिर डे के हो, वहां पे आपको काफी अच्छे जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। स्पेशली जो लो लाइट में इमेजेस वगैरह ली गई है उसमें जो ऑप्टिमाइजेशन सैमसंग कर रहा है, इमेज प्रोसेसिंग जो अच्छा कर रहा है, उसके कारण जो है एक रिजल्ट काफी बढ़िया मिल जाते हैं, शेडोज आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। हालांकि डायनेमिक रेंज भी मैं बोलूंगा कि इसमें आपको अच्छी मिल जाती है, ऐसे ब्लो आउट वगैरह जितना नहीं होता है, यानी कि बैकग्राउंड में अगर काफी ज्यादा क्लाउड है तो वो जो है ब्लो आउट नहीं होते हैं। लेकिन इमेज क्वालिटी में बोलूंगा कि 50MP एक अच्छा सेंसर है और इसका जो F1.8 के साथ में जो आ रहा है वो लाइट अच्छी खासी ले लेता है। 12MP का तो वाइड सेंसर है, वो भी जो है आपको इमेज अच्छी निकाल के दे रहा है, ऐसा नहीं है कि काफी लो जो है इमेज हो जाती है। ये चीज जो है मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है इस बार। अधिकतर ये होता है कि जो वाइड एंगल सेंसर होता है वो क्वालिटी को काफी ज्यादा डिक्रीज कर देता है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम मुझे पर्सनली इस फोन में जो है फील नहीं हुई है। क्वालिटी वाइज देखा जाए तो अच्छी खासी निकाल के दे रहा है, यहाँ पे भी आपको अच्छा वाइड एंगल मिल रहा है। हाँ, ये है कि शार्पनेस वगैरह आपको उतनी अच्छी नहीं मिलती और डायनेमिक रेंज में भी जो है आपको पीछे जो क्लाउड वगैरह आ रहे हैं या फिर पीछे का बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ब्लो आउट हो जाता है। 5MP के मैक्रो लेंसेज बोलूंगा कि इसके मुझे जो है ज्यादा बेटर लगे A34 के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी जो है थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी है। हालांकि दोनों में सेंसर एक जैसे ही है पर पता नहीं क्यों इसकी क्वालिटी मुझे ज्यादा बेटर लगी है। 32MP का जो सेल्फी कैमरा है वो आपको अच्छी खासी सेल्फीज निकाल के दे देगा। वैसे ही है कि भाई आपको एकदम नेचुरल सेल्फी तो नहीं देखने को मिलेगी, आपको थोड़ा सा आपका फेस जो है वाइट कर देगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, बट ये है कि आपको मजा आ जाएगा सेल्फीज अगर आप लेंगे तो। और वहां पे अगर मैं वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो भाई 1080p 60fps में मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग की है। यहाँ पे OIS का सपोर्ट आपको मिल रहा है तो आपको स्टेबिलिटी वगैरह जो है अच्छी मिल जाती है, और इस पर फिजिकल सेंसर लगा हुआ है जिसके कारण आप जो है वीडियो शूट कर सकते हो। अगर आप व्लॉग वगैरह बना रहे हो, वीडियो वगैरह बना रहे हो, तब भी इस फोन से जो है अच्छे खासे तरीके से कर सकते हो। इस फोन की अगर मैं बैटरी की बात करूं तो सेम जो है A34 की तरह आपको भी इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस इसमें भी आपको 25W तक का जो है चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। अब 5000 के कारण ही जो है इस फोन को काफी थिक बना दिया गया है। तो अगर मैं इसकी बैटरी लाइफ की बात करूं ना तो करीब करीब इसने भी जो है मुझे 1.5 दिन तक की जो है बैटरी लाइफ दे दी है। तो भाई अगर मैं अपने फाइनल ओपिनियन आपको इस फोन को लेकर देता हूं ना तो भाई ये फोन महंगा है, ऑब्वियसली 40,000 रुपए का फोन है। 40,000 रुपए में आपको काफी सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाते हैं, यानी कि जो इस प्राइस रेंज में आपको अच्छी खासी क्वालिटी भी दे रहे हैं, प्रीमियमनेस भी आपको दे देते हैं। बट ऐसा है कि अगर आपको सैमसंग ब्रांडिंग चाहिए, अगर आप जो है थोड़ी प्रीमियम ब्रांडिंग के साथ में जाना चाहते हो तो सैमसंग का ये फोन भी जो है काफी बढ़िया है। पीछे से एस सीरीज की तरह दिखता है, ग्लास के साथ में आ रहा है, बैटरी जो है काफी स्ट्रांग है, डिस्प्ले की क्वालिटी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। हाँ, बट ये है कि परफॉर्मेंस वाइज इतनी ज्यादा उम्मीद आप लोग मत रखना, इसको और भी जो है अच्छे से हम यूज करेंगे तो आगे चल के आपको और भी
डिटेल में रिव्यू डेफिनेटली देने वाले। वैसे अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो भाई इसका जो लिंक वगैरह आपको व्यू ऑल प्रोडक्ट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, आप वहां से जाके जो इसको परचेस कर सकते हैं। तो गाइस ये था फुल रिव्यू सैमसंग A54 5G के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव और डिटेल वीडियो हम लोग लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।